हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्टीन बोरोन इन दिस केस बोरोन इज अ नॉन मेटल वेयर द अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली दैट आर मेटल्स मींस बोरोन ही एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करता है देखो बेटा क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आप रीजन ये भी डाल सकते हो कि एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स ड्यू टू दीज रीजन्स बोरोन शॉज एनोमेलस प्रॉपर्टीज और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा फर्स्ट बोरोन इज अ नॉन मेटल्स वायल द अदर मेम्बर्स ऑफ दिस फैमिली दैट आर metals point number second boron shows allotropy while other members don't show okay point number 3 among the elements of group 13 boron has highest boiling point and melting point okay now oxides and hydroxide oxides and hydroxides of boron that are weakly acidic and of aluminum that are amphoteric amphoteric means it behaves like a acidic as well as basic character and those of rest of the members that are most basic okay boron hydrides that is quite stable while the other hydrides of other elements that are less stable okay only boron combined with the active metals uh, like magnesium to form the borides Mg2b3, okay. While the rest of the members that do not combine with the active metals, okay. So, these are the anomalous behavior of boron. Uh, this behavior is due to the uh, presence of small size of boron. Second region is high electron density, third region is high electron affinity. सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड फोर्थ रीजन इज एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ओके नाउ व्हेन द बोरोन रिएक्ट विद द बेस बोरोन डिजोल्व विद अल्कली एंड टू गिव द बोरेट्स विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये देखो बेटा ये बोरोन है ये रिएक्ट करता है बेस के साथ एंड इट विल फॉर्म अपरेट्स Na3BO3 and hydrogen gas is released here, okay. Now what is the uses of boron, aluminium and other compounds, the Boron is a very hard solid which shows high melting point, low density and a very low electrical conductivity. Because of these properties it shows many uses boron uses in the manufacture of glass ceramics agriculture okay aluminum is used in electrical devices and construction materials okay next is gallium gallium is used in amplifier solar cells and satellites indium indium metal is used in coating and for manufacturing of alloys okay next helium this is used in photoelectric cells and toxics okay now boron electronic structure electronic configuration that is 1s2 2s2 2p1 means atomic radius is 90 picometer due to very small size of boron the sum of the first three ionization enthalpy that is very high okay so this prevent it will form a +3 ion ओके एंड फोर्सेज इट टू फॉर्म ओनली द कोवेलेंट कंपाउंड नेक्स्ट इन द ट्राईवेलेंट स्टेट बोरोन इज कॉल्ड एज द बोरोन प्लस थ्री आय बी प्लस थ्री ओके नाउ नेक्स्ट इज बोरोन एंड इट्स कंपाउंड ओके देखो बेटा इस केस में क्या है uh, सबसे फर्स्ट लेते हैं हम बोरेक्स बोरेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन इट इज़ वाइट क्रिस्टेलाइन सॉलेट और फॉमूला एन ए टू बी फोर ओ सेवन इंटू टेन एच टू बोरेक्स डिजोल्व इन वाटर एंड टू गिव एन एल्केलाइन सोल्यूशन ये बेटा बोरेक्स है इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं देन इट विल फॉर्म अ बेस एन यू एच प्लस एच थ्री बी ओ थ्री मीन्स ओर्थोबोरिक एसिड ओके

इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टिंकल टी आई एन के सी एल टी आई एन सी एल टिंकल बोरेक्स जो होता है बेटा वो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट से बना होता है ठीक है इसका करेक्ट फॉर्मूला आपका ये होता है एन ए टू बी फोर ओ सेवन इन टू में टेन एस टू इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बी लिख सकते हो इस ये होता है आपका एन ए टू बी फोर ओ फाइव ओ एच का फोर टाइम्स इन टू में एट एच टू ओके ये होता है नाउ व्हाट आर दैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स देखो बेटा सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या देता है एल्कलाइन सोल्यूशन देता है एन एच और एच थ्री बी ओ थ्री मीन्स और थोबोरिक एसिड फॉर्म करता है बट सबसे मेन केमिकल रिएक्शन दैट इज इफेक्ट ऑफ हीट मीन्स ओन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूज इज वाटर मोलिक्यूल पहले ये अपना वाटर मोलिक्यूल रिलीज करता है एंड देन स्वेल अप एंड ओन फर्दर हीटिंग इट टर्न इन टू द ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच सोलिडिफाइज इन टू द ग्लास लाइक मटीरियल्स दैट इज़ नॉन एज द बोरेक्स बीट ठीक है इसको बोरेक्स बीट बोलते हैं देखो बेटा ये जो बीड होता है दैट इज यूज इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ कलर्ड रेडिकल्स जैसे बेटा निकल टू प्लस है कोबाल्ट टू प्लस है क्रोमियम प्लस थ्री है ठीक है इसके लिए यूज होता है ये ठीक है और व्हेन अ सोल्ट दैट कंटेनिंग एनी ऑफ दीज आयंस दैट इज हीटेड विद द बोरेक्स बीड ऑन द प्लेटिनम वायर देन दोल्ट डिकम्पोज टू फॉर्म द ऑक्साइड्स Which combine with B2O3 of the glassy bead and that form a colored metaborate. This test is called as the borax bead test. And uh, Na2B4O7 into 10H2. Okay. It react with Na2B4O7. Okay. Uh, after heated, it lose the 10 molecules of water.

दिस फॉर्म आ ग्लासी मास इसको हम क्या बोलते हैं ग्लासी मास ओके सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स नाउ वाट आर द यूज ऑफ बोरेक्स बोरेक्स इज यूज इन द ऑप्टिकल एंड हार्ड ग्लासेस सेकेंड इट इज यूज इन एनिमल्स एंड पेंट्स फॉर अर्थन पोर्ट्स पॉइंट नंबर थ्री एज a mild antiseptic in the preparation of medicinal soap and as a food preservative antiseptic means uh, it uh, stop or, or kill the growth of microorganisms and it is used as a flux for soldering and welding purpose okay and uh, next point you can also add it is used in the borax bead test for the detection of basic radicals okay नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थो बोरिक एसिड इसका फॉर्मूला क्या है बेटा एच थ्री बी ओ थ्री इसको ऐसे भी बोलते हैं बी ओ एच थ्राइस ओके नाउ वाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोरिक एसिड बोरिक एसिड ये है बेटा इन सोलिड स्टेट बोरिक एसिड हैज अयर स्ट्रक्चर बोरिक एसिड दैट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर विच आर लिंकड टूगेदर बाय द वेंडरवाल फोर्सेज एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री हंड्रेड एटीन पिकोमीटर फ्रॉम इच अदर ईच लेर इज मेडअप ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर दैट इज बी ओ एच थ्राइस यूनिट बोरोन एटम इन ईच बी ओ एच थ्राइस यूनिट दैट इज लिंकड विद द थ्री ओ एच ग्रुप विच आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ इक्वेटोरियल ट्राइंगल ठीक है देखो बेटा कैसे अरेंज होता है like this. ये लाइक दिस ये बोरोन है दिस इज़ बोर यहाँ बेटा ओ और यहाँ एच होता है सेम हेयर ओ एच ग्रुप इज हेयर सेम हेयर ओ एच ग्रोप इज़ अटैच हेयर ओके तो अब ये सारा क्या होता है लिंक होता है आपस में फिर से ये हाइड्रोजन फिर अटैच होता है ठीक है तो ये आप इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉरिक एसिड का एच थ्री बी ओ थ्री इसमें लेयर्स बनती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है देखो ये ऐसे बनता है आपका ये बी ओ एच यह हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है बेटा और इस साइड फिर ओ एच ये फिर हाइड नेक्स्ट ऑक्सीजन बोरोन वाले ऑक्सीजन से अटैच होता है फिर दिस वन ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये आपका फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ओके तो यहाँ एक लेयर बन जाती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये मीन्स जो हाइड्रोजन एटम होता है दैट एक्टाज ब्रिज बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम दो ऑक्सीजन एटम के बीच में ब्रिज का काम करता है सो दिस शोज द टू डिफरेंट बी ओ थ्री यूनिट्स ओके ये आप नाउ वट आर द मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बॉरिक एसिड देखो बेटा प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट बी सी एल थ्री में आप वोटर एड करते हो देन इट विल फॉर्म एच थ्री बी ओ थ्री प्लस एच सी एल ओके आपका रिलीज होता है दिस इज फर्स्ट प्रिपरेशन सेकेंड देखो बेटा फ्रॉम बोरेक्स बोरेक्स से कैसे बनाते हो फ्राम बोरेक्स वाट इज द फॉर्मूल ऑफ बोरेक्स एन ए टू बी फोर ओ सेवन ये होता है बेटा इसकी रिएक्शन आप एच सी एल के साथ कराते हो प्लस फाइव वाटर मोलिक्यूल्स एड करते हो देन वाट विल बी फॉर्म हेयर यहाँ पे बेटा एन ए सी एल निकलेगा ठीक है टू मोलिक्यूल्स प्लस फोर बी ओ एच थ्राइस ठीक है औरथोबॉरिक एसिड यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा ओके या देखो बेटा अब इस केस में हम देखते हैं बोरिक एसिड एज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सॉफी टच सेकेंड इट इज स्प्रिंजली सोल्यूबल इन वाटर बट हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर थर्ड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द बोरेक्स बाय ट्रेटिंग विद डायल्यूट एच सी एल एंड डायल्यूट एस फोर देखो बेटा दिस इज द रिएक्शन एन ए टू बी फोर ओ सेवन प्लस टू एच सी एल प्लस फाइव इट विल फॉर्म एन ए सी एल एंड एस थ्री बी ओ थ्री एस थ्री बी ओ थ्री इज अ ऑर्थोबोरिक एसिड और इसका दूसरा नाम क्या है बोरिक एसिड भी बोलते इसे ठीक है बेटा नेक्स्ट इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स कोलामाइन कोलामाइट बाई पासिंग द एसो टू थ्रो अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड मिनरल इन द बॉइलिंग वाटर ओके तो हम इसको सीधा जो है सेकेंड प्रिपरेशन हम इसकी बी सी एल थ्री प्लस वाटर के साथ ले सकते हैं जो एच थ्री बी ओ थ्री प्लस थ्री एच सी एल निकालेगा ओके नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज इट इज वीक मोनोबेसिक एसिड्स बट इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर बट इट बिहेव्स एज अ ल्यूविज एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ओ एच नेगेटिव आयंस ऑफ द वोटर बेटा एच थ्री बी ओ थ्री है ये वोटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बी ओ OH एच का फोर टाइम्स मीन्स दिस इज बोरिक एसिड ठीक है बोरेट आयन बोलेंगे इसे हम और एच पॉजिटिव आयंस यहाँ से रिलीज करेगा अब बी ओ एच थ्राइस प्लस वाटर एंड इट विल एच थ्री ओ पॉजिटिव यहाँ से निकाल देगा और ये बनाएगा बी ओ एच का फोर टाइम्स नेगेटिव ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा बोरेट आयन बोरिक एसिड एक वीक एसिड है लेकिन वो एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है क्योंकि वो बिहेव करता है मोनोबेसिक लिविज एसिड का ठीक है और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो जो B प्लस थ्री आयंस होते हैं वो क्या करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे सिग्मा कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन एटम के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो जो कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन है वो पुल करेगी द सिग्मा इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ ओ एच बॉन्ड ऑफ अटैस वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स आर्स ठीक है Now the next reaction is on heating the orthoboric acid at 370 kelvin. It will form a metaboric boric acid HBO2 which further on heating and it gives the boric oxide H3BO3 क्या है बेटा ये ऑर्थो बोरिक एसिड। जब इसको हम हीट करते हैं यहाँ पे तो हीट करने के बाद इसको हम 100 degree celsius पे हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है four water molecules release हो जाता है and it will form a HBO2 एंड एट वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस आफ्टर हीटिड अगेन इट ल्यूज द वाटर मोलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म द एच टू बी फोर ओ सेवन एंड आफ्टर दैट अगेन हीटेड अब इसको रेड हीट करते हैं मतलब जब तक हीट करते हैं जब तक ये रेड नहीं हो जाता और यहाँ से फिर वॉटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और क्या बनाता है बी टू ओ ओ ओ ओ थ्री तो ये जो बी टू ओ थ्री है बेटा ये क्या बोरोन ट्राई ऑक्साइड है ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं बोरिक ऑक्साइड बोलते हैं okay now what are the uses of boric acid boric acid is used as a preservative for milk and the food store second it used as a mild antiseptic for eye wash okay third it is used for preparing the heat resistant borosilicate glasses. And fourth, it is used in the preparation of glasses in the poetry. Okay, glasses in the poetry. So, these are the uses of boric acid. Now, the next topic is diborane. it is the simplest uh, hydride of boron and it has formula b2 h6 iska naam kya hai beta diborin the structure of diborin that uh, has four terminal hydrogen atoms along with the two boron dekho beta 1 2 ek hydrogen yaha hota, three, yahan hota hai 3 ये यहाँ अटैच होता है और ये यहाँ पे Okay, two boron atoms that lie in the same plane. ये बोरोन है ये बोरोन है

प्रीपेर बाय ट्रेटिंग द बोर ड्राई फ्लोराइड विध लीथियम एलुमिनियम हाइड्राइड इन इन इथाइली देखो कैसे बेटा बी एफ थ्री में हम लीथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइलीथर ठीक है डाई इथाइलीथर के प्रेजेंस में देन वाट विल बी फॉर्म बी टू एच सिक्स प्लस एल आई एफ प्लस ए एल एफ थ्री ओके तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से डाई बोरेइन मिलेगा ओके सेकेंड इन लेबोरेटरी द डाइबोरिन इज प्रिपेड बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइट विद आयोडीन जैसे बताइए है आपके पास टू एन ए बी एच फोर प्लस आई टू यहाँ पर आई टू एड करते हैं डाई मिथाइल ग्लायोगाइम के फॉर्म में करते हैं इसे हम ठीक है तो ये हमें क्या देता है बी टू एच सिक्स प्लस एन ए आई प्लस आई टू ओके प्लस एच टू हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर ओके okay. ये लैब मेथड है नाउ दीज आर द प्रिपरेशन एंड आफ्टर दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोर बेटा ये बोरोन एटम्स हैं एंड यहाँ दो हाइड्रोजन एटम ब्रीजिंग वाले हैं यहाँ पे और दीज आर द टर्मिनल्स हाइड्रोजन एटम ओके तो इस केस में हमारा क्या होता है बेटा देखो स्ट्रक्चर में कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको uh, फोर टर्मिनल बी एच बोंड बी एच कितने बॉन्ड बन रहे हैं फोर देट आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बोंड होते हैं और टू ब्रिजिंग बी एच बी ये ब्रिज वाले होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और ये होते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ओके ये प्रेजेंट होते हैं सो अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ईच बोरोन एटम दैट यूटिलाइज इट्स एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग

which is empty orbitals of other boron atoms and half filled orbital of hydrogen atoms, and it will form the bhb bond okay so the two electrons that are electron deficient bridge bond and this bond is called as the banana bond due to its shape is banana like okay now what are the properties प्रॉपर्टीज़ इट इज ए कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस डाइबोरिन कलरलेस और हाईली टॉक्सिक गैस है बेटा बॉयलिंग पॉइंट वन एट्टी कैलवीन है क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनफ्लैमेबल नेचर इट कैच फायर स्पॉन्टेनियसली वैन एक्सपोज टू द एटमोसफेयरिक एयर इट बर्न इन ऑक्सीजन एंड द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक इट रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सो बी टू एच सिक्स प्लस थ्री ओ टू इट विल एरोसाइन बी टू ओ थ्री प्लस थ्री एच टू ओ ओके सो मोस्ट ऑफ द हायर बोरोन दैट आर द स्पोंटेनियसली फ्लैमेबल इन एयर ओके नाउ नेक्स्ट इज कैमिकल प्रॉपर्टीज विद ल्यूविज बेस इट फर्स्ट अंडर गो क्लीवेज टू फॉर्म अ बोरोन बी टू एच सिक्स है जब इसको हम बोरेन में करते हैं तो बी एच थ्री बनाता है ये ठीक है और ये अडक्ट बनाता है बेटा जैसे एन एम ई थ्री है इसके साथ अगर ऐड किया है तो ये क्या क्या बनाएगा अडक्ट बनाएगा सेकेंड बी टू एच सिक्स जब सी ओ के साथ रिएक्ट करता है तो बी एच थ्री सी ओ बनाता है ओके नेक्स्ट है विद अमोनियम एंड एडिशन प्रोडक्ट बी टू एच सिक्स और अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो बी बी टू एच सिक्स इंटू में टू एन एच थ्री बना तो ये डीकम्पोज होके क्या बनाएगा ये भी क्या बनाएगा एक वॉलोटाइल कंपाउंड बनाएगा ओके मीन्स जब हम बी टू एच सिक्स को हीट करते हैं अमोनिया के साथ एन एच थ्री के साथ देन इट विल फॉर्म आ बोराजीन देखो बेटा क्या फॉर्मूला होता है बी थ्री एन थ्री एच सिक्स प्लस ट्वेल्व एच टू ठीक है इसका नाम क्या है बेटा बोराजीन बी ओ आर ए जेड आई एन ई बोराजीन ओके नाउ वट आर द यूज ऑफ डाइबोरेन देखो बेटा डाइबोरेन इज यूज एज अ रिडिजिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन ओके ये क्या होते हैं रिड्यजिंग एजेंट होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पॉइंट नंबर सेकिन इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बोरोहाइड्राइट्स लाइक लीथियम बोरोन हाइड्राइट्स और सोडियम बोरोहाइड्राइड्स Which act as a good reducing agent for the organic synthesis. Okay. And point number three, it is used as a fuel for supersonic rockets. Okay. So, this fuel is What is the formula of diborane? B2H6. Now, the structure of diborone is. एसपी थ्री एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड देर आर फोर टर्मिनल बी एच टर्मिनल नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड विच आर क्वाइट स्ट्रोंग जिसको क्या बोलते हैं बेटा टू सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड और टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स टू सी डैश टू ई ओके नेक्स्ट है बेटा दो ब्रीजिंग होते हैं बी एच बी बॉन्ड होते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे आर क्वाइट वीक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं uh, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो देखो जस्ट uh, uh, आपका ऐसे होता है मैं यहाँ बनाती हूँ ये आपका बी है बेटा ये बोरॉन है वही सेम यहाँ हाइड्रोजन अटैच है ये भी हाइड्रोजन है दिस वन ऑल्सो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है तो ये वाला बोंड बेटा इधर बनता है एक एक बोंड आपका इधर बनता है ठीक है यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ओके तो ये जो दो बोंड बने बेटा ये क्या है बनाना बोंड है ठीक है ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बोंड होते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन और इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं और बेटा ये जो है बी वाले ये हैं

इनऑर्गेनिक बेंजीन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेंजीन से सिमिलर होती हैं uh, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक अ बेंजीन जैसा ही होता है इसलिए इसका नाम रखा है इनऑर्गेनिक बेंजीन ओके और दूसरा नाम इसका क्या बोलते हैं बोराजोल भी बोलते हैं बोराजोल बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन ओके दीज आर द थ्री नेम्स थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस Boron related compounds, okay. Thank you.